नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। राज्यसभा चुनाव की सुगबुगाहट के बीच बिहार विधान परिषद चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई है। अब तो तारीख भी जारी कर दी गई है। हालांकि आपको चुनाव की तारीख बताए उससे पहले आपको ये बता दें कि बिहार विधान परिषद में आगामी 21 जुलाई को खाली कई सीटें हो रही हैं, जिसके तहत ही 7 सीटों पर मतदान की घोषणा कर दी गई है। इसके लिए नामांकन की प्रक्रिया 2 जून से शुरू होने वाली है। मतदान 20 जून को होने वाले हैं। केंद्रीय चुनाव आयोग की तरफ से साझा की गई जानकारी पर अगर नजर डाले तो 9 जून तक नामांकन किए जा सकते हैं। नामांकन पत्रों की जांच अब 10 जून को होने वाली है, जबकि नाम वापसी की आखिरी तारीख 13 जून है। मतदान 20 जून की सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होने वाली है। मतगणना इसी दिन शाम 5 बजे से होने वाली है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि विधान परिषद के सदस्य अर्जुन सहनी, मोहम्मद कमर आलम, गुलाम रसूल, रोजिना नाजिश, रणविजय कुमार सिंह, मुकेश सहनी और सीपी सिन्हा उर्फ चंदेश्वर प्रसाद सिन्हा का कार्यकाल 21 जुलाई को समाप्त हो रहा है। ये सभी विधानसभा कोटे से निर्वाचित सदस्य हैं। सत्तारूढ़ जदयू के प्रदेश महासचिव और पूर्व विधायक राणा रणधीर सिंह चौहान ने अपना इस्तीफा ले लिया है। उन्होंने बिहार प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा को हाल ही में अपना इस्तीफा भेजा था। इसी को लेकर पार्टी की तरफ से प्रेस रिलीज भी जारी कर दी गई है कि कुछ गलतफहमी हुई थी, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष से बात होने के बाद उन्होंने अपना इस्तीफा वापस ले लिया। वहीं उनकी पत्नी सुनीता सिंह चौहान की बात करें तो सुनीता चौहान जदयू से पूर्व विधायक रह चुकी हैं। राज्यसभा चुनाव के लिहाज से इस इस्तीफे को अहम भी माना जा रहा था और पार्टी में किसी उठापटक का संकेत भी मिल रहा था। 7 सीटों पर होने वाले विधान परिषद चुनाव में सभी राजनीतिक दलों के विधायकों की संख्या के अनुसार 2 सीट भाजपा, 2 सीट जदयू और 3 सीट महागठबंधन को जाता दिख रहा है। हालांकि इस चुनाव में नुकसान सबसे ज्यादा जदयू को होने की उम्मीद है, क्योंकि जदयू के सबसे अधिक 5 उम्मीदवारों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। वोटों की संख्या को देखें तो जदयू को दूसरे उम्मीदवार की जीत के लिए भाजपा की सहायता लेनी पड़ेगी। बिहार के साथ साथ महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के लिए भी चुनाव आयोग ने विधान परिषद चुनाव की घोषणा कर दी है, जिसमें उत्तर प्रदेश के 13 उम्मीदवार और महाराष्ट्र के 10 उम्मीदवारों का कार्यकाल 6 जुलाई और 7 जुलाई को समाप्त हो रहा है। बता दें कि 75 सदस्यीय विधान परिषद में वर्तमान में विधायकों द्वारा निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की संख्या 27 है। इसी 27 में 7 सीटें रिक्त हो रही हैं। विधान परिषद की सीटों की बात करें तो इसके अलावा स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में प्रत्येक के 6-6 यानी कि 12, स्थानीय निकायों से 24 के साथ राज्यपाल द्वारा मनोनीत 12 सदस्य होते हैं। मनोनयन वाले सदस्य विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्टता रखने वाले होते हैं। विधानसभा कोटे की सीट होने की वजह से इसमें मतदाता विधायक होते हैं। विधायकों की संख्या के हिसाब से दलों को सीटें मिलती है। अमूमन दल आपसी समझौते के तहत संख्या बल के हिसाब से सीटों का बंटवारा कर लेते हैं। मतदान की स्थिति नहीं बनती है। बिहार विधानसभा की सदस्य संख्या 243 है। संविधान में तय प्रावधान के तहत एक विधान पार्षद को चुनने के लिए 31 विधायकों के मत की जरूरत पड़ती है। सदस्यों की वर्तमान संख्या के हिसाब से भाजपा को सहयोगी दलों की मदद से 3, राजद को 2, जदयू को 1 और वाम दलों को 1 सीट मिलने की उम्मीद भी जताई गई है। इसके साथ ही उम्मीद यही है कि विधान परिषद चुनाव का आयोजन सफलतापूर्वक हो जाए और मतदान भी सफलतापूर्वक हो। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।